हेलो चिल्ड्रंस, आज हम इंग्लिश ग्रामर स्टडी करने जा रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर स्टडी करने जा रहे हैं ये इसका चैप्टर हमारा 9 था। हमने इसके पहले वाले वीडियो में द का यूज़ के बारे में आपको बताया था कि द का यूज़ कैसे करते हैं, ए एन का यूज़ कहाँ करते हैं। द का यूज़ के लिए मैंने आपको बताई भी थी कि सबसे पहले तो द का यूज़ कोई भी पार्टिकुलर पर्सन के बारे में बताया जा रहा हो, पार्टिकुलर जगह के नाम या जानवर या कोई भी वस्तु के बारे में बताया जा रहा हो। तो जैसे राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम आम खाता है, ठीक है, राम घर जाता है, तो राम के बारे में बताया जा रहा है। राम एक अच्छा लड़का है हमारी क्लास में, तो राम इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लासरूम। तो पर्टिकुलर किसी के बारे में बताया जाता है तो द का यूज़ होता है। फिर जब किसी भी नाउन का बार बार यूज़ किया जाता है तो वहाँ द का यूज़ किया जाता है। फिर जहाँ पर किसी एक सिर्फ केवल एक ही चीज़ है हमारे मतलब हमारी धरती पर, हमारी जगह पर, उसके अलावा और कोई नहीं है तो वहाँ द का यूज़ किया जाता है। या फिर कोई भी एडजेक्टिव हो जहाँ पे ईएसटी लगाते हैं वहाँ पर द का यूज़ होता है। या फिर कोई भी फेमस नदी हो, तालाब हो, फेमस किताबें हो, कि फेमस बिल्डिंग है, फेमस फेमस जगहों का नाम द लगाया जाता है। तो आइए इससे रिलेटेड आपके बुक में कुछ एक्सरसाइज थी जो हम आज इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट करेंगे। तो बी नंबर में है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन और द, ए और एन द यूज़ करना है। फर्स्ट नंबर में गंगा इज इन इंडिया, तो गंगा यहाँ पर क्या है, गंगा नदी एक ही है और गंगा फेमस नदी है, तो उसके पहले हम द का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू है डॉग इज रनिंग आफ्टर द कार, डॉग इज रनिंग आफ्टर द कार, मतलब कुत्ता कार के मतलब बात दौड़ रहा है ना, मतलब कुत्ता है जो कार के पीछे पीछे मतलब दौड़े जा रहा है। तो वहाँ पर बहुत सारे तो कुत्ता दौड़ नहीं रहे, कोई एक ही कुत्ता दौड़ रहा होगा, तो ए डॉग ए होगा यहाँ पर ए। फिर द ताजमहल इज इन आगरा, ताजमहल तो यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक ही है, वो आगरा में है, तो यहाँ पर द का यूज़ होगा। फिर ही ऑर्डर पिज्ज़ा, उसने एक पिज्ज़ा ऑर्डर किया, ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ही लव्स टू रीड रामायण, रामायण जो बुक्स का नाम है वो फेमस बुक है। तो हमने बताया था कि कोई भी फेमस चीज़ों के जगहों पर द का यूज़ करते हैं। द सनराइजेस इन द ईस्ट, सूर्य उदय पूरब में होती है, सनराइजेस पूरब में होती है मतलब सूर्य उदय, ये एक ही चीज़ है, एक ही है और कहीं कुछ होता नहीं है, यहाँ पर फेमस है इसलिए द का यूज़ करेंगे। ही वेंट टू अ शॉप, वह दुकान पे गई, तो एक ही दुकान पे जाएंगी ना, अ शॉप। एस वाज टाइड टू अन एस, यहाँ पर देखिए ए है बॉबेल है, एस मीन्स गधा होता है, खच्चड़ होता है, और यहाँ ए जो है फर्स्ट है, बॉबेल है, इसलिए हमने एन का यूज़ किया है। देयर इज बास्केट ऑन अ टेबल, वहाँ बास्केट टेबल पर एक बास्केट है, तो वहाँ पर एक ही बास्केट है, बास्केट। मदर गेव मी ऑरेंज, ऑरेंज का फर्स्ट लेटर ओ है, वॉवेल है, इसलिए हमने ए का यूज़ किया है। आई क्वेश्चन नंबर सी में पिक्चर्स को देखना है, और पिक्चर्स को देखकर यहाँ पर कुछ स्टोरीज दिए हैं जिसमें ए एन और द का यूज़ करना है मुझे, ठीक है। तो आइए हम पढ़ते हैं। सन इज राइजिंग, सन यहाँ एक ही है, सन तो दो है नहीं, तो यहाँ पर द का यूज़ करेंगे। इज इन द स्काई, स्काई भी एक है तो यहाँ भी द का यूज़ होगा। फिर बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई, तो ए बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी जो है आकाश में उड़ रहे हैं, है ना। फिर क्या है बता रहा है, फार्मर इज स्टैंडिंग विथ, यहाँ पर हम फार्मर के बारे में बताना शुरू करेंगे। तो एक फार्मर
स्टैंडिंग है ऑक्सन, मतलब दो बैलों की जोड़ी है, तो यहाँ पर द होगा, ठीक है, द ऑक्सन। फिर उसे वापस फार्मर के बारे में बताया जा रहा है। तो हमने बताया था कि एक एक नाउंस का बार बार जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पर द यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर द होगा, द फार्मर इज टॉकिंग द ऑक्सन फॉर ग्रेजिंग। कॉट, कॉट मीन्स होता है खटिया, एक खटिया है ना, वन खटिया, तो एक खटिया अ कॉट इज लाइंग नियर अ हट, एक झोपड़ी के नज़दीक है द फार्मर स्लीप, है ना। एन आउल क्या होगा, एन आउल एक एक उल्लू, आप अपनी बुक भी ओपन करके बैठ जाएं पेज नंबर 40 और 41, ठीक है, ताकि आपको बुक देखकर समझ में आएगी। एन आउल इज सिटिंग ऑन द ट्री ब्रांच, है ना, एक एक उल्लू पेड़ के शाखाओं पर बैठी है। क्वेश्चन नंबर डी में आइए, यूज एन ए एन ऑन द, इसमें भी ए एन यूज करना है। आई हैव गॉट एन अम्ब्रेला, इसलिए क्योंकि यू यहाँ पर वॉवेल है, फिर से अम्ब्रेला के बारे में बताया जा रहा है, तो द हम लाइन लगाए, द अम्ब्रेला इज बी। मैंने फिर पहले भी कहा था कि एक बार नाउन का यूज़ में तो ए एन यूज़ करते हैं, लेकिन उस नाउन को अगर दोबारा यूज़ करते उसके बारे में बता रहे हैं तो वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। फिर से ए बस कम्स डाउन द रोड, एक बस रोड के नज़दीक आ रही है। ए गर्ल वेटिंग, एक लड़की जो है वेट कर रही है बस स्टॉप पर, फिर से इस लड़की के बारे में यहाँ बताया गया है, तो वहाँ पे हमने द का यूज़ किया, द गर्ल गेट्स इन टू द बस, ठीक है, तो लड़की जो है बस का के अंदर जा रही है। फिर है वी लिव ऑन द अर्थ, अर्थ यहाँ पर एक ही है इसलिए द का यूज़ होगा। हरी गिव्स अ रोज टू हिज मदर, हरी ने अपनी मदर को एक रोज दिया, फिर से रोज के बारे में बताया जा रहा है, तो द रोज इज रेड, वह रोज लाल है। रैबिट फाइंड अ कैरट, एक रैबिट ने एक कैरट पाया है, मिला है उसे, फिर से कैरट के बारे में बताया जा रहा है, कैरट यहाँ पर नाउन है, तो यहाँ पर हम द का यूज करेंगे, द कैरट इज फ्रेश। मैरी हैज ए लिटिल लैम्ब, मैरी के पास एक छोटा सा लैम्ब है, भेड़िया भेड़ है, लैम्ब के बारे में फिर से बताया जा रहा है, तो हम लैम्ब के पहले द का यूज़, द लैम्ब गोस विथ हर एवरीवेयर, और जो भेड़ है वो उनके साथ हर जगह जाते जाते रहता है। सेवन नंबर, सनराइजेस एवरी मॉर्निंग, सूर्योदय एक ही बार होता है, एक ही है, तो यहाँ पर फेमस है वो, दही यूज होगा। फिर से इसमें ए एन और द का यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर ई में, आई लुक्ड एट द स्काई एंड सॉ एन ईगल फ्लाई हाई, मैंने आकाश की ओर देखा, वहाँ एक ईगल गिद्ध आकाश में ऊंचे में मैंने देखा कि एक आकाश में उड़ रहा है। वैन, फिर से ईगल का यूज हुआ तो हमने द का यूज़ किया, वैन द ईगल बिगन टू डाइव ऑल द माइस रैन टू सेव देयर लिव्स लाइफ, ठीक है। फिर से यहाँ पर भी ए एन और एस का यूज़ करना है, तो आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स इन द प्ले ग्राउंड नियर बाई हाउस, यहाँ पर पर्टिकुलर प्ले ग्राउंड के बारे में ही बताया जा रहा है, इसलिए हमने द का यूज़ किया है। माई ग्रैनी टेल मी स्टोरीज फ्रॉम द रामायण, रामायण यहाँ फेमस बुक है इसलिए द का यूज़ है। देयर इज अ न्यू स्टूडेंट इन माई क्लास, वहाँ मेरे क्लास में एक न्यू स्टूडेंट है, फिर से उस स्टूडेंट के बारे में बताया जा रहा है, तो वहाँ पर ए का यूज़ नहीं करेंगे, द स्टूडेंट हैज़ कम फ्रॉम द चाइना, वह जो स्टूडेंट था वो चाइना से आया है। चीता इज अ फास्टेस्ट एनिमल, चीता जो होता है एक तेज दौड़ने वाला जानवर होता है। कुतुब मीनार इज लोकेटेड इन साउथ दिल्ली, कुतुब मीनार फेमस प्लेसेस है इसलिए द का यूज़ हुआ है। गंगा इज़ ए लॉन्ग रिवर, गंगा एक लंबी नदी है, गंगा एक फेमस नदी है इसलिए मैंने वहाँ पर द का यूज़ किया है। तो इस तरह से आर्टिकल का मैंने आपको यूज़ करके आपके प्रैक्टिकल्स बुक को कंप्लीट कराया, आप भी अपना बुक कंप्लीट करें।
मुझे व्हाट्सएप के थ्रू से सेंड करें।